Hey guys, welcome back to Trader Channel. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या है एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, इसी के ऊपर कौन कौन से क्रिप्टो इसी के अंदर आता है एंड इसके रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल्स आपको देंगे कि ये जो क्रिप्टो है ये कैसे दूसरे स्टेबल क्रिप्टो एंड पेगिंग एंड डीपेगिंग के क्रिप्टो से कैसे ये वैरी करता है एंड इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप सभीों को देने का प्रयास करेंगे। सो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं बाइनांस के अंदर एंड आज के दिन आप लोग देख सकते हैं करेंटली 23,59,000 के आसपास आप लोगों को बिटकॉइन मूव होता हुआ देखने को मिल रहा है एंड सिमिलरली बीएनबी पे जैसे ही बताए थे वैसे ही 11% की डिप आया था। देन उसके बाद आप लोगों को एक अच्छा खासा यहां पे 389 के आसपास करेंट प्राइस आप लोग को देखने को मिल जाएगा, सॉरी $289 के आसपास आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इन द सेंस 22,376 के आसपास देखने को मिला है। तो बात करते हैं व्हाट इज एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको देखना चाहिए। देखो मार्केट में सबके सब बात करते थे स्टेबल कॉइन, बट यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है जब यहाँ पे पता चला है कि अर्धम मतलब क्या आप लोग देख लीजिए एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मैं आप सभी को बताना चाहूंगा चार प्रकार का यहाँ पे क्रिप्टो है। मैं आप सभीों को यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये आर्टिकल के अंदर बताया गया है, बट मैं आप सभीों को मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर बताऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चाहिए, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन यहाँ पे स्पुक्ड द मार्केट राइट नाउ, बट व्हाट आर दी आप लोग जान सकते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे ही बताया था चार प्रकार का होता है, तो वो क्या क्या है, पहला है एल्गोरिथमिक, देन फियाट बैक्ड, देन एसेट बैक्ड, ये जो आता है ना एसेट बैक्ड इसके अंदर USDT आता है, ठीक है, देन क्रिप्टो बैक्ड वंस जो कि यहाँ पे बहुत सारे आता है एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल है टेथर एंड पैक्स जी, ये आते हैं स्टेबल कॉइन के अंदर, बट टेथर USDT ये फियाट बैक्ड स्टेबल कॉइन है एंड यहाँ पे USD जो है आप लोग देख सकते हैं ये रिजर्व टू बैक द USDT सर्कुलेशन। तो पैक्स जी इन अदर हैंड इज एन एसेट बैक स्टेबल कॉइन यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो आप लोग जान सकते हैं कि कौन कौन सा क्रिप्टो है। अगर ये कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे एक सुपीरियर टाइप का कुछ यहाँ पे एल्गोरिथम में इनकोडेड कोड रहता है, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला जाता है टू मेंटेन द इंटेंडेड पैक के अंदर काम करता रहता है, ठीक है। दिस इज प्राइमरीली डन बाय मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ स्टेबल कॉइन सर्कुलेशन के लिए ये बहुत बड़ा रोल पे काम करता रहता है। तो बात करते हैं कौन कौन से क्रिप्टो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहां पर ये जो मैं बोल रहा हूं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम चीज आप लोगों को लगना चाहिए कि भाई क्या है, आप तो इतना बोल रहे हो कि क्या क्या चीजें हैं। देखो यहां पे देख सकते हो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन सच एज USD था, इन द सेंस टेरा USD, आफ्टर ये चला जाने के बाद यहाँ पे और भी है जैसे कि मैजिक इंटरनेट मनी MIM, फ्रैक्स है, देन न्यूट्रिनो USD जिसे USDN कहा जाता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट ये मोस्टली हर एक्सचेंज पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। डेफिनेटली येस, जैसे कि मैं यहाँ पे देखा जा सकता है कि MIM अगर मैं सर्च करता हूँ इधर बाइनांस के अंदर, ये आप लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ऑल क्रिप्टो भी मैं चूज़ किया हूँ, अब यहाँ पे स्पॉट फ्यूचर आप न्यू लिस्टिंग हर जगह पे MIM देख लो, ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्रिप्टो ना मोस्टली हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे आप लोग को भी सारा बताया गया कि USD एक बार मतलब जो डाउन आया है एंड लेना लूना के हिसाब से ये बहुत बड़ी डाउनफॉल है एंड क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। देखो यहाँ पे मैं सभीों को बताना चाहूँगा नो डाउट कि स्टेबल कॉइन पे इन्वेस्ट करें, बट जो नया स्टेबल है डेफिनेटली नॉट दैट वन। मैं आप सभीों को रिकमेंड करूँगा USDT एक अच्छा क्रिप्टो है जो कि यहाँ पे स्टेबल कॉइन के अंदर माना जाता है, तो आप लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो डाउट ऑन दैट। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वन, काइंडली लाइक अट।